दोस्तों आज मैं आपको भारतीय सेना के एक ऐसे रेजिमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसने अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभाई है। मैं बात कर रहा हूं अरुणाचल स्काउट्स की। अरुणाचल स्काउट्स का गठन 1 मई 2010 को हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश की भारतीय सीमा की सुरक्षा का था। अरुणाचल प्रदेश का भूगोल बेहद दुर्बल और मौसम अत्यंत कठिन है, और चीन के साथ लगी लंबी और संवेदनशील सीमा के कारण इसकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इस रेजिमेंट की स्थापना भारतीय सेना के उन रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत सीमा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए स्थानीय लोगों के भौगोलिक, मौसम और सांस्कृतिक ज्ञान का लाभ उठाया जा सके। अरुणाचल स्काउट्स में मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय जनजाति जैसे मोनपा आदि और निशी जनजातियों से भर्ती की जाती है। ये न केवल रेजिमेंट की संचालन क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि स्थानीय रोजगार को भी प्रोत्साहित करता है। अरुणाचल स्काउट्स के सैनिकों को कठिन और विशेष परीक्षण दिया जाता है, जो इस क्षेत्र के विशिष्ट चुनौतियों से अनुकूल होते हैं। इसमें उच्च ऊंचाई युद्ध, जंगल युद्ध और अत्यंत मौसम की परिस्थितियों में जीवित रहने की कौशल सिखाई जाती है। सैनिकों को स्थानीय भूगोल, वनस्पति और जीव जंतुओं का गहरा ज्ञान होता है, जिससे वो अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। अरुणाचल स्काउट्स का मुख्य कार्य अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वो नियमित गश्त, निगरानी और ठोही मिशन करते हैं, ताकि किसी भी घुसपैठ या आक्रमण के प्रयासों को समय से रोका जा सके। इसके अलावा रेजिमेंट क्षेत्र के आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए विभिन्न आतंकवादी विरोधी अभियानों में भी शामिल होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपदाओं के दौरान अरुणाचल स्क्वाड स्थानीय आबादी को मानवीय सहायता और आपात राहत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अरुणाचल स्काउट्स ने अपने अद्भुत युद्ध कौशल और कठिन इलाकों में प्रभावशीलता के लिए मान्यता प्राप्त की है। उन्होंने उच्च ऊंचाई और वन क्षेत्रों में बिना किसी रुकावट के संचालन की क्षमता ने उन्हें प्रशंसा दिलाई है। रेजिमेंट के सदस्यों को उनकी वीरता और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए विभिन्न वीरता पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। अरुणाचल स्काउट्स ने स्थानीय जनजातियों के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं, इससे सेना और स्थानीय आबादी के बीच विश्वास और सहयोग का निर्माण हुआ है। रेजिमेंट सक्रिय रूप से अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देता है और सुरक्षा करता है, जिससे स्थानीय रिवाजों और परंपराओं को अपनी रेजिमेंटल भावनाओं में शामिल किया जाता है। अरुणाचल स्काउट्स भारतीय सेना की रक्षा रणनीति का एक अहम हिस्सा है, जो इस क्षेत्र की किसी भी तरह की चुनौतियों से सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं अरुणाचल स्काउट्स के बारे में, कमेंट बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।